की पुछ दियो हाल फकीरांदा साडा नदियों विछड़े नीरांदा साडा हंज दी जूने आयांदा साडा दिल जलिया दिल गिरांदा की पुछ दियो हाल फकीरां दा साडा नदियों विछड़े नीरां दा कोई पंछी अपनी उड़ान में भी नहीं, कोई तीर उसकी कमान में भी नहीं। दान म्यूट देख रहे हो तुसी, मैं गुरनीत हाँ तुहाडे नाल। अदीब अजीज दोस्तों, अज असीं हरीके पत्तण जिहड़ा नॉर्थ इंडिया का मशहूर वेटलैंड है उत्थे पहुँचे हाँ। बहुत सारे पंछी इत्थे सानू वेखण नू मिले ने। तुसी जानदे होवोगे कि ईको सिस्टम दे विच, साडे इनवायरमेंट दे विच वेटलैंड का महत्व की है। बहुत किस्म दे पानी हुंदे ने जिन्हां दे विच झरने, नदियां, स्ट्रीम्स और इसी किस्म दी एक कैटेगरी है, दैट इज़ वेटलैंड। वेटलैंड दा साडे इकोसिस्टम दे विच बहुत ज़्यादा महत्व है। एक इस किस्म दा इलाका जिथे लो टाइड दे विच वी घट्टो घट पानी जिहड़ा है वह 6 मीटर तो ज़्यादा होवे। सो वेटलैंड इकोसिस्टम नूं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करदे ने। कोई इस तरह की जगह जिथे दरिया आपस दे विच मिलदे होण, जां कोई इलाका जिथों दरिया परमानेंटली लंघ रहा होवे और ओहो इलाका परमानेंटली ही गिल्ला रहिंदा होवे। सो पंजाब दी जेकर असी गल करिए तां दोस्तों, पंजाब दे विच 3 मेन वड्डे वैटलैंड्स ने जिन्हां नूं रामसर कैटेगरी दे विच रख्या गया है। उन्हां विचों एक है हरीके पत्तण जिथे असी इस वक्त मौजूद हाँ। वैटलैंड नूं ऑबजर्व करन दा, वैटलैंड नूं फिल्माउण दा इह टाइम सब तो वधिया मन्निया जांदा है, क्योंकि 2 फरवरी नूं वैटलैंड डे हुंदा है। बहुत सारे पंछी माइग्रेट करके इन्हां दिनां दे विच किन्ने किन्ने 100 किलोमीटर उड़ के वैटलैंड ते पहुँचते ने, क्योंकि साइबेरिया दा इलाका है, मंगोलिया है, यूरोप है और कुछ शीत पार्ट्स एशिया दे कॉन्टीनेंट दे, सब कॉन्टीनेंट दे असी कह सकते हाँ, उतों ये पंछी आते हैं। और जिस तरह मनुख की फितरत रही है कि असी प्रवास करते हाँ, असी अपने रोजी कमाउण वास्ते या जिंदगी दे बेहतर ढंग तरीके इंजॉय करन वास्ते, बेहतर लाइफस्टाइल वास्ते, बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वास्ते असी प्रवास करते हाँ, अमरीका कनेडा जाते हाँ। इसी तरह की फितरत जिहड़ी आ कुदरत दी हरेक जीव दे विच है, जिथे उन्हां नूं टैंपरेचर, जिथे उन्हां नूं सीजन जिहड़ा है, क्लाइमेट जिहड़ा है अनुकूल लगता है, सो उत्थे वो माइग्रेट कर जाते हैं। सो इत्थे हरीके पत्तण की मैं गल कर रही थी। इस तों इलावा कांजली वैटलैंड है, इस तों इलावा रोपड़ वैटलैंड है, पर हरीके दा वैटलैंड सब तो वड्डा है। इत्थे ब्यास और सतलुज दा संगम भी हुंदा है, उसनूं नोज़ पॉइंट असी कहिंदे हां। और असी जिन्ना इहनां दे करीब जाण दी कोशिश करदे हां, इह पंछी उन्ना ही साडे तों दूरी बना लैंदे हैं। एक खूबसूरत नज़ारा तुसीं इंजॉय कर सकते हो। आँख में पानी रखो, होंठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, जिंदा रहना है तो कोई ना कोई हीला वसीला ता करना ही होएगा, आखिर सवाल सर्वाइवल दा जो है।
जिंदगी गुजारन दी नहीं बल्कि जिंदगी जीण दी गल, ए गल है परवास दी। सुकून पाउण लई उड़ान दी कहानी निक्के निक्के दो खंभां दे जज्बे दी गल। ए सदियां पुराना किस्सा है वसल वल एक अणथक उड़ान दा। सानू लखां दा तन लब गया पर इक दा मन भी ना मिलिया। क्या लिखिया किसे मुकद्दर सी हथां दियां चार लकीरां दा। की पुछदे ओ हाल फकीरां दा साडा नदियों विछड़े नीरां दा। समुंदर खोल दे तो खौफ खाके लहरां तो डर डर के परत आए तुसी क्यों किश्तियां नो रेत ते तर के। न्याणे हां मिलू फिर भी मुशक्कत आप ही करके। अनाथा वास्ते चुंजा ना आवण चोग पर पर के। दोस्तों यह कुदरत दी किन्नी कमाल दी कैफियत है। सानू पता है कि साड़ी जान जड़ी है वो कुछ कुछ समय दी मोहताज है, कुछ समय दी मेहमान है। फिर भी जिन्नी क भी जिंदगी सानू मिली है असी उसनू जीवन वास्ते उसनू होर बेहतर बनाउण वास्ते लगातार स्ट्रगल करते हाँ। और यह कैफियत यह मिजाज दुनिया दे विच जन्म लैण वाले हर एक प्राणी का है। एक निक्की जिही कीड़ी नूं भी तुसीं मारन की कोशिश करते हो उसका रस्ता रोकण की कोशिश करते हो तो वह अपनी जान बचाउण वास्ते हर एक बेहतर हीले वसीले का उपयोग करती है। सो इसी कदर यह प्रवासी पंछी ने जो हज़ारां लखां की तादाद दे विच किन्ने हज़ार सौ किलोमीटर उड़ के आते ने निक्के निक्के दो खंभ ते उन्हां नूं उड़ना उस सफ़र किन्ना उन्हां वास्ते थकान भरिया रहा होएगा। इत्थे आके ये फील हुंदा है कि कुदरत दी गोद विच वसियां ये तमाम चीज़ां जदों तुसी इनवायरमेंट दे नेड़े जदों तुसी कुदरत दे नेड़े हुंदे हो दुनिया दे तमाम शोरगुल तो दूर हुंदे हो कंक्रीट दे उसारे जंगलां तो दूर हुंदे हो ते इस कमाल दी कैफियत नूं तुसी इंजॉय करदे हो ते सीरियसली वी आर इंजॉइंग द सेम। और ये पिछे जिहड़ी तुसी आवाज़ सुन रहे हो ये उन्हां प्रवासी पंछियां दी है। बहुत दूर दूर तक ये फैले हुए ने लखां दी तादाद दे विच हरीके पत्तण इस प्यारे जिहे वैटलैंड ते हज़ारां लखां दी तादाद ये पंछी आते हैं और हज़ारां लखां की तादाद दे विच ही सैलानी पर्यटक स्थल ते लोग जड़े ने इन्हां नूं वेखण वास्ते भी आते हैं। माइग्रेशन यानी परवास लगभग कुदरत दे हर एक जीव की फितरत है। जिंदगी दे चार दिन ते उन्हां विच जेकर हर जीव नूं तलाश हुंदी है तो वह है सुकून चैन ते आराम दी बेहतर वसीलियां दी उम्मीद अनुकूल वातावरण की भाल। इंसान तो इलावा ये माइग्रेशन की फितरत अनेक पशु पंछियों के पाई जाती है। जानवर मछियां ते सब तो ज़्यादा आकर्षक नज़र आता है पंछियों का परवास। साइबेरिया मंगोलिया अते एशिया के उतले शीत प्रदेशों तो पंछियों का परवास हज़ारा किलोमीटर की दूरी तय करके कुछ समा अपने अनुकूल वातावरण के बिताउन आते इन्हां पंछियों की पसंदीदा थां है इंडियन सबकॉन्टीनेंट। कमाल की गल है कि परिंदे भी परवास करके इत्थे आउंदे ने अनुकूल वातावरण की तलाश च सुकून पाउण दे लई ते असीं इत्थों परवास करके जांदे हाँ शीत इलाकियां दे विच। अस्सी लाख तो ज़्यादा पंछी इंडियन सब कॉन्टीनेंट के इर्द गिर्द पाए जाते हैं। परवास सर्द रुत्त विच ज़्यादा होता है
उत्तरी भारत दे विच पंजाब दा हरीके वेटलैंड इन्हां परिंदियां दी पसंदीदा जगह है। मेरा नाम धर्मजीत सिंह है जी, मैं हरीके तो बिलोंग करदा। मैं पिछले 5 सालों तो इत्थे जॉब कर रहा। हरीके बर्ड सेंचुरी दो दरियावां दे समेल सतलुज ते ब्यास दे समेल कारण होंद विच आई। हरीके बर्ड सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर, डिस्ट्रिक्ट तरन तारण ते डिस्ट्रिक्ट कपूरथवाला विच फैली हुई है। 86 स्केयर किलोमीटर रकबा जी इहदा। ते हर साल इत्थे नवंबर महीने दे विच, नवंबर तो लैके मार्च तक यूरोप, रशिया, साइबेरिया, मंगोलिया ते एशिया दे उपरले हिस्सों तो जिथे बर्फ पै जाती है, बर्फ जमण कारण ये पंछी जिहड़े प्रवास वास्ते हरीके वैटलैंड विच आउंदे हन। ये हर साल 100 प्रजाति तो उपर लगभग 1 लाख की गिनती दे विच इत्थे पहुँचते हैं। इन्हां दे विच नॉर्थन शॉवलर, नॉर्थन पेंटेल, गैडवाल, कूट, रैड क्रस्टड पोचड, कॉमन पोचड, बार हैडड गूज, ग्रे लैग गूज, तो गारगिनी, पाइड एवोकाट वगैरह पंछी इत्थे पहुँचते हैं। इत्थे पहुँचन का कारण उन्हां दी सुरक्षा ते वातावरण जिहड़ा विभाग वालों मुहैया कराया जाता इत्थे। सिस्टम विच हरेक शय, चाहे वह पेड़ पौधे, पानी, दरिया, समुंदर, पंछी होन, आपस दे विच जुड़े हुए ने। इन्हां दा यकीनन गहरा ताल्लुक है, ताही तां हर हलचल दे नाल सारे प्रभावित होंदे ने। इस दुनिया विच कुछ इस तरह दियां थावां ने जिथे पानी जमीन नूं घेर लैंदा है ते ओह धरती भाव ओह लैंड वैटलैंड दा रूप तैयार कर लैंदी है। इस किस्म दियां जगावां ते पानी गहरे नहीं हुंदे, बल्कि शैलो वाटर्स ही रहिंदे ने। पानी दी गति नदियां दरियावां मुकाबलतन काफ़ी घट हुंदी है। इस किस्म दी प्रवृत्ति दे चलदियां कुदरती जीवां ने, बनस्पतियां ने अपने आप नूं इस अनुसार ढाल लिया है। किसी ने क्या खूब लिखा है कि अब तो चुपचाप शाम आती है, पहले चिड़ियों के शोर आते थे। विज्ञानियों का कहना है कि हर साल पंछियों की तादाद घट रही है, अजिहा ग्रीन हाउस इफेक्ट कारण दसया जा रहा है। तकदीर ता अपनी सौकण सी, तकदीर ता अपनी सौकण सी, तदबीरां साथों ना होइयां, ना जंग छुट्टिया ना कन पाटे, झुंड लंघ गया जी हीरां दा, की पुछदे ओ हाल फकीरां दा, साडा नदियों विछड़े नीरां दा। ये भाई सतलुज दरिया इत्थे हरीके, ये वैटलैंड वजदा हरीके हैड अपने नजदीक आ। इत्थे बहुत तरह के प्रजाति दे प्रवासी पंछी आउंदे आ, बहुत कंट्रियां तो आउंदे आ, बाहर दियां कंट्रियां तो जिहड़े इत्थे 3-4 महीने सर्दियां दे कट्टन आउंदे आ। बहुत प्रवासी पंछी इत्थे आउंदे, बहुत मशहूर है। ते इह आवे पिछले पासे देख रहे आ, सब प्रवासी पंछी है। इह जिन्नियां बाहर दियां कंट्रियां तों आउंदे आ जी, सब इत्थे हरीके हेड ते आ दरिया ते आते आ। सतलुज ते ब्यास आ, ब्यास परले तां रहिंदा, इह सतलुज च आ। इन्हों माइग्रेटरी बर्ड्स की रिसर्च वास्ते, काउंटिंग वास्ते उचेचे तौर पर फॉरेस्ट एंड क्लाइमेटिक डिपार्टमेंट्स वालों वक्रे टाइम से
टीम्स भेजिया जांदियां ने जो अपने अपने हिसाब नाल रिसर्च करके काउंटिंग्स करते हैं और इस तरह दरिया के विच जाके वह अंदाजन काउंट कर लेंगे कि किस किस प्रजाति के इत्थे पक्षी पंछी जड़े ने शिरकत करन आए ने और किन्ने पंछी आए ने वखो वखरे किस्म दियां झंडियां दरिया के विच लगाई जांदियां ने और इस तरह शूट करना मैं कहाँ कि खुशनसीबी है क्योंकि हर एक नू इस तरह की परमिशंस नहीं मिलती हैं पर जेकर तुसी वर्कोलिक फील कर रहे हो तो यकीनन जरा जरा जड़ा है वो थोड़े काम दे विच थोड़ा साथ दिंदा है और थोड़ियां अच्छियां भावनावां होण तां इजाफा भी उन्होंने यकीनी तौर पर जरूर होंदा है। हर साल इन्हां नू देखण वास्ते लखां दी गिनती विच लोग देशों अते विदेश तो पहुँचते इत्थे पहुँचण वाले पंछियों दे विच पानी ते बैठण वाले पंछी ने दरिया के कंढ्या ते बैठने वाले पंछी रिवर बैड हो गए कान्या ते सरकंडे ते बैठने वाले पंछी ते रुखां ते बैठने वाले पंछी पहुँचते हैं और नॉर्थन शॉवलर मेल तो फीमेल जा रहे जी इन्हां विचों कुछ पंछी जिहड़े शाकाहारी ने कुछ मांसाहारी ने जिहड़े मांसाहारी ने जिवें मच्छी दे पूंग हो गए जां कोई कीड़े मकौड़े ने पानी के अंदर वह खा के आपका गुजारा करते जिवें बार हेडड गूज होगी वह पिछे बनस्पति होगी जां कणक वगैरह वीट है जिहड़ी मगरले पासे वो खा के जां जिहड़े पानी दे विच जिहड़े कोई बनस्पति उगी है वह खा के आपका गुजारा करती है। अच्छा इत्थे आण के कपल्स जोड़े बनते हैं जी ये जाके उधर जिहड़े वो भी आपदे ब्रीडिंग करनगे हरीके झील 1992 विच सतलुज दरिया नूं बन मारन तो बाद एन उस थां तो हेठां होंद विच आई जिथे इस दा पानी ब्यास दरिया दे विच रलदा 41 वर्ग किलोमीटर दा पानी विच डुबिया इलाका हरीके वैटलैंड स्थान 1982 दे विच जंगली जीव सेंचुरी वजों घोषित कर दिता गया अते 1990 दे विच एक रामसर वैटलैंड स्थान दे तौर ते अंतरराष्ट्रीय महत्व दा वैटलैंड स्थान बन गया। वातावरण अते जंगलात मंत्रालय भारत सरकार दी वैटलैंड बारे राष्ट्रीय समिति ने भी हरीके वैटलैंड दी शनाखत विशेष संभाल सरगर्मी अते प्रबंधन दे लई एक वैटलैंड वजों कीती है। साल 2001 विच भारतीय फौज ने झील दी सफाई दे लई प्रोजेक्ट सहयोग चलाया सी। पिछे जहे सिर्फ पाकिस्तान विच मिलदी इंडस रिवर डॉल्फिन दी एक प्रजाति हरीके विच वेखण नूं मिली यह या तो हरीके विच मिलती है पाकिस्तान तो इलावा जां ब्रह्मपुत्रा नदी दे विच ए पाई जांदी है।